हेलो दोस्तों दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम अपने स्कैल्प पर सही तरीके से ध्यान नहीं देते हैं, बालों में ऑयलिंग नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से बालों में रूसी की समस्या आ जाती है। इसीलिए कभी कभी रूसी की वजह से हमारे सर पर मुहासे या फिर दाने निकल आते हैं। आइए जानते हैं कि रूसी से होने वाले मुहासों को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। टिप नंबर वन, अगर आपके सर में बहुत ज्यादा रूसी हो रही है और उसी की वजह से मुहासे हो रहे हैं, तो आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करें। एंटी डैंड्रफ शैम्पू मार्केट में इजीली अवेलेबल है। जो शैम्पू सबसे ज्यादा अच्छा हो और जिसके अंदर केमिकल का कंटेंट कम हो, आप उस शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी रूसी की समस्या को भी दूर करेगा और आपके स्कैल्प को ठंडक पहुंचाकर मुहासों को भी बिठाने में मदद करेगा। टिप नंबर टू, अपने सर की त्वचा पर कंडीशनर ना लगाएं। जी हाँ, अगर आपके सर पर बहुत ज्यादा मुहासे निकल रहे हैं तो कंडीशनर का इस्तेमाल केवल बालों पर करें, अपने स्कैल्प पर कंडीशनर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हो सकता है कि कंडीशनर लगाने से आपकी समस्या ज्यादा बढ़ जाए। टिप नंबर थ्री, अपने बालों को अपने चेहरे से दूर रखें। कई लड़कियों की आदत होती है अपने बालों को चेहरे पर लटों की तरह बिखरा कर रखना। अगर आपके बालों में रूसी की समस्या है और सर में बहुत ज्यादा मुहासे निकल रहे हैं, तो आप अपने बालों को अपने चेहरे से दूर करें, क्योंकि संक्रमण की वजह से वही मुहासे आपके चेहरे पर भी निकल सकते हैं। टिप नंबर फोर, अपने सर से रूसी और मुहासों को दूर करने के लिए जब भी चंपी करें तो गर्म तेल का इस्तेमाल करें। ये न केवल आपके बालों को राहत देता है बल्कि उसमें प्राकृतिक नमी भी बरकरार रखता है। रूसी की समस्या हमारे सर के अंदर तब ज्यादा हो जाती है जब हमारा स्कैल्प काफी ज्यादा ड्राई हो जाता है। इसीलिए गर्म तेल का इस्तेमाल करें अपने बालों की कंडीशनिंग करने के लिए। सो दोस्तों, ये है आसान से तरीके अपने बालों के अंदर रूसी से होने वाले मुहासों को दूर करने के लिए। इन्हें जरूर आजमाइए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।